good morning students this is part 2 of the chapter profile of indian agriculture rural development video first we are going to learn about green revolution what is green revolution green revolution was a period when the productivity of global agriculture increased drastically as a result of new advances it means for period that एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटा बहुत चेंजेस आए थे न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रा स्ट्रैटेजीज यूज हुई थी एंड दिस पीरियड वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1965 सिक्सटी फाइव इन दिस रेवोल्यूशन मेनी न्यू टेक्निक्स अलोंग विद द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज नाउ वी विल रीड द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अ पीरियड वेन the productivity of global agriculture increased drastically as a result of new advances during this time period new chemical fertilizers and pesticides were created or you know, fertilizers or pesticides use the chemical fertilizers made it possible to supply crops with extra nutrition and therefore increases yield chemical fertilizers hua? सप्लाई ऑफ द क्रॉप्स बढ़ गई और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड हुए द न्यूली डेवलप पेस्टिसाइड्स कंट्रोल द वीड्स डिटर्ड और किल इंसेक्ट्स एंड प्रिवेंटेड डिजीज विच आल्सो रिजल्टेड इन हायर प्रोडक्टिविटी और जो नई पेस्टिसाइड्स डेवलप हुई उससे बीडिंग की प्रॉब्लम दूर हो गई दैट इज़ उसने क्या कि उसमें क्या था कि उसमें ना सिर्फ वीड्स को कंट्रोल कर रहे थे इंसेक्ट्स भी किल हो जा रहे थे और प्लांट्स में डिसीज भी नहीं लग रही थे इट प्रिवेंट्स द डिस ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इन 1965 सिक्सटी फाइव द गवर्मेंट ऑफ मिसिज इंदिरा गांधी डिसाइडेड टू मेजर स्टेप्स ऑन एग्रीकल्चर कंडीशंस 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था बेटा मिसिज इंदिरा गांधी ने किया था रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर Thus, Green Revolution was applied to the period from 1967 to 78, basically in the parts of Haryana and Punjab. Aur ye, uh, sabse pehle Haryana or Punjab side pe hi start hua tha, beta. and at this stage, concern was on wheat and rice. Or income major uh, focused for the production of more wheat and rice. Dr. M. S. Swaminathan from India. लेट ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ प्रोजेक्ट और इंडिया से डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोजेक्ट लेट किया था नमी फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया आर फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड हाई ईल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था बेटा नई वेराइटी ऑफ सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था सेकेंड वन इंक्रीज यूज़ ऑफ़ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स इन ऑर्डर टू रिड्यूज़ एग्रीकल्चर लॉसेज मतलब उन्होंने फ़र्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वीडीसाइड्स इनका यूज़ बढ़ा दिया था जिससे जो प्लांट्स ख़राब हो जाते थे क्रॉप्स ख़राब हो जाते थे वो अब ख़राब नहीं हो पा रहे थे बिकॉज़ दे आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स जैसे उस पर कोई डिसीज़ मतलब कोई डिसीज़ या कोई इंसेक वो नहीं कर पाता था और प्लांट्स नहीं ग्रोथ कर पाते थे जिसकी वजह से जो मेन प्लांट था उनके न्यूट्रिशंस लॉस नहीं हो पाते थे थर्ड वन इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन ऑर्डर टू इन्हांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन बढ़ा दिया था इन्होंने मतलब यूज़ और बढ़ा दिया था फोर्थ वन यूज़ ऑफ लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीनरी लाइक ट्रैक्टर सीड ड्रिल्स एंड हार्वेस्टर्स अब लेटेस्ट मशीनरीज यूज कर रहे थे पहले एग्रीकल्चर में बेटा सिर्फ मैनुअल वर्क होता था बट आफ्टर अ ग्रीन रेवोल्यूशन दे स्टार्ट यूजिंग द न्यू मशीनरीज फिफ्थ वन यूज ऑफ हाई डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटीज सो दैट प्रोडक्शन विल इनहस हाई डिसीज रेजिस्टेंस सीड्स यूज कर रहे थे जिससे प्रोडक्शन बढ़े ना ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ इंफ्लुंस द इकोनॉमी एंड वे ऑफ लाइफ इन इंडिया टू अ ग्रेट एक्सटेंड एज इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ने इकनॉमी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आया था एंड वी कैन सी ऑल दीज चेंद हेल्प ऑफ दीज पॉइंट दैट इज एडवाटेजेस ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन फर्स्ट वन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन द इंट्रोडक्शन ऑफ़ ग्रीन revolution इन 1967-68 has resulted in हैज़ phenomenal इन अ in the इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर food स्पेशली इन फूड ग्रीनस इन्होंने क्या कहा कि 1967-68 में जब ग्रीन रेवल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था फ्रॉम नाइनटीन ऑनवर्ड्स द ग्रीन रेवोल्यूशन एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अ क्योंकि इन्होंने वीट और राइस पे ज्यादा ध्यान दिया था इसीलिए इसको और क्या क्या बोला यहाँ पे इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन अमंग द फूड ग्रेन टू इट इज द वीट क्रॉप विच ड्यू मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स के अलावा वीट क्रॉप ने में मैक्सिमम बेनिफिट्स हुए थे क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था the production of wheat increased by more than 3 times between 1967 68 and 2003 and 4 while the overall increase in the production of cereals was only two times इन्होंने क्या कहा wheat production 3 times and the cereals the production was only two times on account of this reason it is said that the green revolution in india is largely as wheat revolution now second one prosperity of farmers with the increase in a palm production the earnings of the farmers also increased and they become prosperous Jayse -jayse production bada, farmers earning this has specially been the case with the big farmers having more than 10 hectares of land or iska benefit beta but jayda se jayda, jo rich farmers the, third one

and have sufficient stock in the central pool. sometimes we are in a position to export food grains also. even humne import substitution kesatsat, itna surplus production ho tha, ki hum exports bhi kar pa rahe the. i hope it is clear now. fourth one, industrial growth. green revolution brought about large-scale farm mechanization, which created demand.

बिसाइड्स डिमांड फॉर द केमिकल फर्टिलाईजर्स पेस्टिसाइड इंसेक्टीसाइड्स विडिसाइड एक्सेट्रा ऑल्सो इनक्रीज कंसिडरेबली मशीन्स के साथ इन चीज़ों की भी डिमांड और बढ़ी थी इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो हुआ था फिफ्थ वन चेंज इन दटीट्यूड ऑफ फार्मर्स द इंडियन फार्मर्स है इलिटरेट बैकवर्ड एंड ट्रेडिशनल एंड हैड बीन यूजिंग कन्वेंशनल मेथर्स ऑफ कल्टिवेशन सिंस अर्ली टाइम्स जो इंडियन फार्मर्स थे बेटा वो बहुत इलिटरेट थे इसलिए वो हमेशा बैकवर्ड और ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज़ करते थे कल्टीवेशन के लिए बट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ ब्रॉट अबाउट अ बेसिक चेंज इन हिज एटीट्यूड टू फार्मिंग बट ग्रीन रेवोल्यूशन ने उनके जो फार्मिंग के मेथड्स थे उनके एटीट्यूड्स थे वो सब चेंज कर दिए थे द वे ही हैज़ ऑलरेडी अडोप्टिड द ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी हैज़ एक्सप्लोडेड द मिथ that the indian farmers is basically tradition, tradition bound and does not use new methods and techniques इन्होंने you know ही i hope it is clear the advantages of green revolution now limitations of green revolution more inequality among farmers that is interpersonal inequalities bitter the rich farmers the, they are able to

The new technology requires a huge amount of investment, which can only be afforded by the big farmers. Hence, these farmers are getting the absolute benefits of the Green Revolution and became comparatively more rich than farmers. This increases inequality in rural India. Second one regional inequality.

उस वही एरियाज के जो फार्मर्स वही जो एरिया था वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा ग्रो हुआ क्योंकि इन द बिगनिंग दे मोर कंसेंट्रेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर वीट दीज वर द रीज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जहां पे वीट ग्रो होती थी ऑन अकाउंट ऑफ द अबब रीजन न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी रीजनल इनिक्वालिटीज इसलिए जो पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया था वहाँ पे क्या हुआ ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और जो बाकी एरियाज थे जहाँ पे विदग्रो नहीं हो रहा था या था तो वहाँ पे इतना एग्रीकल्चर के रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो वो एरिया वो रीजन डेवलप नहीं हो पा रहा था थर्ड वन देशन ऑफ लेबर एब्जॉर्बा इन अव टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग द न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन and hence they are using more machineries and because of this now labor absorption is not there in agriculture sector also this is one of the problem for our economy because in our economy there is more population we all know that india will stand second in terms of population therefore we should adopt the methods like labor-intensive methods for the production instead of capital intensive. And in a green revolution, they are adopting the capital-intensive methods. And hence, there is a reduced labor absorption in agriculture after the adoption of new technology. The uneven regional growth was mainly responsible for the low absorption of labor within agriculture. Or uneven regional growth, due to that, ये प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो गई फोर्थ वन अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज सम लेवल सोशो इकोनॉमिक स्टडीज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज़ हैव रिवील्ड सर्टेन अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। मेनी लार्ज फार्मर्स दे नाउ फाइंड इट मोर प्रॉफिटेबल टू कल्टिवेट लैंड इन्होंने क्या कहा सोशो इकोनॉमिक स्टडीज़ के अगर अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो जो लार्ज फार्मर्स थे बेटा जो रिच फार्मर्स थे जिन्होंने पहले टेनेंट्स रखे हुए थे दे आर नाउ एवेक्टेड द टेनेंट्स एवेक्टेड टेनेंट्स मीन्स उनको निकाल देते थे बिकॉज दे फील दैट नाउ इट इज़ मोर इजी टू कल्टिवेट द क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स और ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू हायर द फार्मर्स टू डू द कल्टिवेशन नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज द डिफिक्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया डिफिक्स से पहले बेटा मैं आपको समझाऊंगी वट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग. एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है बेटा जो फार्मर्स अपनी गुड्स को सेल करते हैं मार्केट में ले जाके उस प्रोसेस को कहते हैं एग्रीकल्चर मार्किटिंग इट मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द फार्म प्रोडक्ट्स बाय द फार्मर्स एट करेंट मार्केट प्राइज इज नोन एज एग्रीकल्चर मार्केटिंग द प्रजेंट एग्रीकल्चर मार्किटिंग इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग डिफिक्स एग्रीकल्चर मार्किटिंग में कौन कौन से डिफिक्ट बेटा फर्स्ट वन लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फेसिलिटीज इन इंडिया मोस्ट ऑफ द रोड्स इन द रूर एरियाज आर कच्चा रोड्स इंडिया में जो रोड्स हैं रूरल एरियाज में वो कच्चा रोड्स हैं विच आर नॉट सुइटेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन रेनी सीजन जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुइटेबल नहीं है स्पेशली रेनी सीजन्स में हैं द फार्मर्स विल हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द लोकल मंडीज इसलिए फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट्स को क्या करना पड़ता है लोकल मंडीज में ही सेल करना पड़ता है एट द चीपर प्राइजिस मतलब उनको जो पूरा प्राइस मिलना चाहिए था प्रोडक्ट्स का वो नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ़ द लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सेकेंड मैन इज़ लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ द फार्मर्स आर नॉट हैविंग एडिकुएट स्टोरेज फैसिलिटीज टू स्टोर देअर प्रोडक्ट्स नीयरली टेन परसेंट ऑफ दियर प्रोड्यूस इज वेस्टेड एवरी ईयर बेटा सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है फार्मर्स के पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है वी ऑल नो दैट फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे डेंट है स्टोरेज फैसिलिटीज एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑलमोस्ट टेन परसेंट ऑफ दियर प्रोड्यूस मतलब जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसका टेन परसेंट क्या हो जाता है वेस्ट हो जाता है एवरी ईयर थर्ड वन एग्जिस्टेंस ऑफ मिडलमैन देर आर टू मिडल मैं बिटवीन द फार्मर्स एंड द कंज़्यूमर्स इसका मतलब क्या है कई सारे मिडलमैन हैं फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच में दे एक्सप्लॉयड द पुअर इनोसेंट एंड इिटरेट फार्मर्स बाय अडॉप्टेरियस अनफेयर मेथड्स वो क्या करते हैं फार्मर्स को एक्सप्लॉयड करते हैं अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स द फार्मर्स रिसीव सिक्सटी पैसा आउट ऑफ एवरी रुपी पेड बाई द कंज्यूमर्स इट मीन्स जो फार्मर्स को पैसा मिलता है वो सिर्फ सिक्सटी पैसा ऑफ अ रुपी मिलता है इट मीन्स फोर्टी पैसा कौन बीच में खा जाता है मिडलमैनस खा जाते हैं इट मीन्स फार्मर्स को अपने जो मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए फूड्स का ग्रेन्स का वो भी नहीं मिल पाता फोर्थ वन माल प्रैक्टिसेस इन द मार्केट द ट्रेडर्स एंड मिडलमैन एडॉप्ट वेरियस माल प्रैक्टिसज टू एक्सप्लोइ द इनोसेंट फार्मर्स जो ट्रेडर्स और मिडलमैन होते हैं वो माल प्रैक्टिस एडॉप्ट करते हैं मतलब इनोसेंट फार्मर्स को एक्सप्लॉयड करते हैं वो सही तरीके से वेट नहीं करते तो फार्मर्स को प्रॉपर प्राइजेस नहीं मिल पाते फिफ्थ लैक ऑफ ग्रेडिंग फैसिलिटीज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ग्रेडिंग फैसिलिटीज़ फार्मर्स मिक्स ऑल गुड एंड बैड प्रोडक्ट्स एंड गेट लोअर प्राइजेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बेहतर ग्रेडिंग फैसिलिटीज़ नहीं है कि अच्छी क्वालिटी के गुज़ ज्यादा प्राइजेस में सेल हो सकें और जो कम क्वालिटी के गुज्ज हैं उनको अलग प्राइस पर सेल कर सकें फार्मर्स क्या करते हैं गुड क्वालिटी और बैड प्रोडक्ट्स को दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं और वही लो प्राइस पे सेल कर देते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पे ग्रेडिंग फैसिलिटीज़ नहीं है सिक्सथ लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन फार्मर्स आर नॉट अवेयर ऑफ मार्केटिंग कंडीशंस एंड द फ्यूचर प्राइजेस एंड देर फोर आर एक्सप्लॉयटेड बाई द ब्रोकरस एंड मिडल मैन फार्मर्स अवेयर नहीं होते हैं मार्किट के प्राइजेस पे उनकी कंडीशंस पे जिसकी वजह से ब्रोकरस और मिडलमैन उनको एक्सप्लॉयट करते हैं फार्मर्स को पता ही नहीं होता किस प्राइस पे इनके गुड्स मार्केट में सेल हो रहे हैं सेवेंथ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फार्मर्स दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेटा इन रूरल एरियाज़ द फार्मर्स आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज बट द बायर्स आर ऑर्गेनाइज टू प्रिवेंट द प्राइज हाइक ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स जो फार्मर्स हैं वो पूरी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज नहीं है मतलब उनके बीच में यूनियन नहीं है बट जो बायर्स हैं मंडीज़ वाले में संविधा वो लोग हैं जो गुड्स इनसे खरीद रहे हैं एम्पलमेंट्स उनके बीच में अच्छी यूनियन है फार्मर्स आर नॉट गेटिंग एटलीस्ट मिनिमम प्राइजेस फॉर दिस रीज़न फार्मर्स को भी मिनिमम फार्मर्स को मिनिमम प्राइस नहीं मिल पाता एथ वन लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन क्रेडिट एंड मार्केटिंग फार्मर्स को बेटा क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिल पाती ठीक है ड्यू टू दिस द फार्मर इज़ फोर्स टू सेल हिज प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइज और इसकी वजह से फार्मर्स को लो प्राइज में गुड्स को सेल करना पड़ता है तो दीज आर देरियस डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नाउ वी विल लर्न The measures taken by the government to overcome the defects of agriculture marketing. Government mm -hmm. kya measures liye agriculture marketing ke defects ko overcome karne ke liye. First one, regulate markets. In order to eliminate unhealthy market practices and to protect the interest of the farmers by ensuring fair prices, in 1951, regulated markets were established in India. एंड ऐट प्रजेंट अबाउट सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स रेगुलेटड मार्किट्स आर फंक्शनिंग इन द कंट्री इन्होंने क्या कहा गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप लिया अनहेल्दी मार्किट प्रैक्टिस को हटाने के लिए रेगुलेटेड मार्किट्स इस्टेब्लिश करें और एट प्रजेंट सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स रेगुलेटेड मार्केट्स हैं इनका मेन एम क्या है बेटा That is to ensure remunerative prices to the producer of agriculture commodities. उनको proper price मिल सके अपने goods का narrow down the price spread between the producer and the consumer. जो farmers हैं उनको जो पूरा price नहीं मिल पाता है जो consumers pay करते हैं वो उनको खुद मिल सके because regulated markets में वो directly खुद sell कर पाते हैं रिड्यूस नॉन फंक्शनल मार्जिन्स ऑफ द ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स और जो ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट जो मिडल मैन का जो मार्जिन्स हैं उनको भी कम कर पाए नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेसन अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट नाइनटीन थर्टी सेवन द गवर्मेंट हेज सेटअप ग्रेडिंग गवर्नमेंट ने क्या किया ग्रेडिंग स्टेशन सेटअप कर दिए The graded goods are stamped with the seal of Agriculture Marketing Department, that is AGMARK, and these goods will have a wider market and command better prices. हम लोग ने पीछे पढ़ा था डिफेक्स में बेटा कि एग्रीकल्चर गुड्स में ग्रेडिंग नहीं थी जिसकी वजह से फार्मर्स को चाहे वो गुड क्वालिटी के क्रॉप्स थे चाहे वो बैड क्वालिटी के क्रॉप्स थे दे आर फोर्स टू सेल एट लो प्राइज तो गवर्नमेंट ने क्या किया उसने ग्रेडिंग स्टार्ट करवाई

दे सेटअप द वेयर हाउसिज इन विलेज द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नाइनटीन फिफ्टी सेवन में गवर्नमेंट ने क्या किया था सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन सेटअप किया गया था जिसमें मेन मोटो क्या था कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर गुड्स के लिए Food Corporation of India was also set up at the national level, has covered storage capacity of 355 lakh tons. Next, market information. The government has initiated a number of steps to provide the information about the prices prevailing in different markets to the farmers. Government steps farmers ko market information provide.

एयर एंड दूरदर्शन फिफ्थ वन सपोर्ट प्राइजेज द गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस फॉर वेरियस एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अट टू इंश्योर फेयर रिटर्न टू द फार्मर्स इवन गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस भी अनाउंस कर दी थी जिससे फार्मर्स को मिनिमम जो फेयर रिटर्न है उनकी कॉमोडिटीज़ का वो मिल सके These prices are fixed in accordance with the recommendation of the Commission for Agriculture Cost and Prices. That is CACP. Or ye con uh, fix karta tha Commission for Agriculture Cost and Prices. I hope all these points are clear to everyone. Thank you students.